नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद में लॉकडाउन 5 के बारे में पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने बताते हुए कहा कि अब जनपद में बाइक पर 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों लोगों को मास्क और हेलमेट लगाना आवश्यक है। दुकानदारों के बारे में बताते हुए कहा कि दुकानदार और दुकान पर आए ग्राहक को भी मास्क लगाना जरूरी है और साथ ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात के समय में बताते हुए कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, सिवाय आवश्यक सेवाओं के लोगों के सिवा। क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। लॉकडाउन 1 में क्या क्या नियम है, सब कुछ देखिए। ये अब पहले कल तक ये व्यवस्था थी कि मोटरसाइकिल पे 2 आदमी नहीं चल सकते। अब आज से व्यवस्था ये है कि मोटरसाइकिल पे 2 आदमी चल सकते हैं। शर्त ये है कि दोनों हेलमेट लगाएंगे और मास्क पहने रहेंगे, अपना मास्क, फेस कवर और प्लस हेलमेट ये लगा कर चलेंगे, 2 आदमी मोटरसाइकिल पे अब चल सकते हैं। नहीं, दुकानें खुल गई हैं। दुकानों के लिए निर्देश है कि प्रत्येक दुकानदार सैनिटाइजर की व्यवस्था किए रहेंगे, जो लोग आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे और अगर नहीं कराएंगे तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी दुकानदार हैं वो खुद भी फेस मास्क पहने रहेंगे, जो आदमी खरीदारी के लिए आएगा वो खुद फेस मास्क पहना रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग 1-1 मीटर दूर रह करके करेंगे। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है वो यथावत बने रहेंगे। सर टाइमिंग समय का कुछ चेंज, टाइमिंग क्या रहेगा? नहीं, टाइमिंग तो 9 से 5 नहीं, रात 9 से सुबह 5 बजे तक किसी को भी इजाजत नहीं है बाहर निकलने की। न तो गाड़ियों का मूवमेंट होगा, न पब्लिक निकलेगी। रात है, सुबह मतलब सुबह 9 से 9 कर दिया गया। दुकान खुलने का ये डीएम साहब से